हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सालू फूड किचन में। मैं हूँ सालू। आज हम लोग कढ़ी बनाने जा रहे हैं। कढ़ी तो सब लोग ने खाया ही होगा, लेकिन सब सिंपल कढ़ी बनाते हैं, लेकिन आज मैं अलग ढंग से कढ़ी बनाऊंगी, और जो कि पंजाबी स्पेशल कढ़ी है ये। तो चलिए जानते हैं कढ़ी बनाने की रेसिपी कैसे है। तो ये मैंने लिया हुआ प्याज लिया हुआ है, इस तरह से मोटे मोटे काट लिए हुए हैं हमने। ये 8-10 प्याज हैं, और इसमें हम लोग बेसन डालेंगे। पहले हम लोग पकौड़े की बनाएंगे हम लोग, क्योंकि कढ़ी में पकौड़े पड़ते हैं, तो पहले हम लोग पकौड़े ही डालेंगे। तो इसमें ये 100 ग्राम बेसन है। बेसन जो है कि अपने हिसाब के क्वांटिटी के हिसाब से ही आप ले लीजिएगा। अब इसमें हम लोग जो है नमक डालेंगे, आधा चम्मच करीब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हम लोग लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, चुटकी भर हल्दी डालेंगे, और तो देखिए थोड़ा सा ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, इसको डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि प्याज पकौड़े जो हैं थोड़े से सॉफ्ट करने के लिए। ये एक ट्रिक होती है, अगर कढ़ी में किसी के पकौड़े अगर सॉफ्ट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चाहे सोडा हो तो वो डाल दीजिए, और आधा चम्मच करीब हम लोग ऑयल डालेंगे। सरसों तेल मैंने डाला हुआ है, इससे भी पकौड़े बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे, और इसको हम लोग हाथ से ही प्रेस करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पानी लेके ये बैटर है, हम लोग को गीला नहीं करना है, थोड़ा सा हम लोग को थिक ही रखना है बस। करीब आधा कप के करीब मैंने पानी लिया हुआ है, यूज कर लिया है। आप चाहे सादे भी पकोड़े बना सकते हो, या फिर प्याज, ये इसमें इस पंजाबी कढ़ी में प्याज वाले पकोड़े चलते हैं, और बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा बना के। हमने गैस ऑन किया है, देखिए हम लोग का ये बैटर सही है, गैस ऑन किया है, देखिए गैस हो गई, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। हमने ये सरसों तेल ही यूज करेंगे हम लोग पकौड़े बनाने में। तो ये हम लोग कढ़ी पे बन डाल रहे हैं, तो हम लोग सरसों ही तेल का यूज करेंगे, क्योंकि पंजाबी जो होते हैं वो सरसों ही तेल का इस्तेमाल करते हैं कढ़ी बनाने में। तो आज हम लोग भी कढ़ी बनाने के लिए सरसों का ही तेल यूज करेंगे। और जब ये थोड़ी गर्म हो जाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर पकौड़े बनाएंगे, डालेंगे इसके अंदर में। इतना बेसन मेरा बच गया है पकोड़े में डालने में, थोड़ा सा ही हो गया 2-3 चम्मच के करीब। ये मैंने कटोरी में पानी लिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हाथ हम लोग ऐसे डिप करेंगे, और अब हम लोग पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े चाहे गोल बनाइए चाहे कैसे ही बनाइए, तो हम लोग अभी इस तरह से पकोड़े डालेंगे। चाहे छोटे बड़े आप लोग अपने साइज के बराबर से बना लीजिएगा, जिस हिसाब से आप लोग खाते हों। कढ़ाई में आ सके आप उतने एक बार में डालिएगा। अब इसको हम लोग गोल्डन फ्राई होने तक हम लोग सेकेंगे, इसको फ्राई करेंगे हम लोग, जब तक ये पकोड़े जो हैं गोल्डन ना हो जाएं। देखिए थोड़े थोड़े गोल्डन होने लग गए हैं।
देखिए हमारे ये फ्रंट हो चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं पकौड़े हमारे। इसी तरह ही गोल्डन हम लोग को फ्राई करना है, आप लोगों को दिख रहा होगा ना। ये पंजाबी कढ़ी बहुत ही टेस्टी होती है खाने में, और इसमें थोड़ा सा ये सीक्रेट है कि जो नॉर्मल कढ़ी हम लोग बनाते हैं थोड़ी सी पतली होती है, ये थोड़ी सी थिक रहेगी। अब पकौड़ों में थोड़ा सा तेल डालना ज़रूरी है, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर चाहे सोडा डाल सकते हो, जितना मैंने अभी बताया था, एक पिंच ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो आपके पकौड़े जो है ख़राब हो जाएंगे। और प्याज अपने हिसाब से आप डाल सकते हो, कम ज़्यादा, आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ डाला नहीं है क्योंकि लाल मिर्च मैंने पाउडर डाला हुआ यूज किया हुआ है। अब हम लोग इसको निकालेंगे। एक प्लेट लिया हुआ है मैंने, अब इसमें हम लोग को पकौड़े निकाल लेने हैं। इस तरह से तेल निथार निथार के निकालिएगा, जो एक्स्ट्रा तेल है कढ़ाई में ही चला जाए। फिर थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में, फिर इस तरह से हम लोग डालेंगे। एक तरफ हम लोग दूसरी कढ़ाई रखेंगे, और इसमें हम लोग 2 बड़े चम्मच सरसों का ही तेल यूज करेंगे हम लोग। और तेल गर्म होते ही इसमें हम लोग हींग डालेंगे, चुटकी भर हम लोग हींग डालेंगे। 1 बड़े चम्मच जीरा डालेंगे, और 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालेंगे। ऑप्शनल है, आप खाते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। अब हम लोग कड़ी पत्ता डालेंगे, इसी के साथ 8-10 कलियां लहसुन की है बारीक कटी हुई है इसको डालेंगे। अदरक 1 टुकड़ा है बारीक कटा हुआ इसको भी डालेंगे, और लंबी लंबी स्लाइसेस में हरी मिर्च कटी हुई है इसको भी डालेंगे हम लोग। और इस सबको थोड़ा सा हम लोग भून लेते हैं। ये बड़ी बड़ी स्लाइसेस में प्याज है इसको भी हम लोग डाल देंगे। मैंने कहा था ना कि ये नॉर्मल कढ़ी से डिफरेंट कढ़ी है, और ये पंजाबी कढ़ी है। पंजाबी कढ़ी में लहसुन प्याज अदरक मिर्च ये सब डालते हैं, आप भी एक बार ट्राई करिएगा, जरूर पसंद आएगी आपको भी। और अब इसको थोड़ा सा हम लोग गुलाबी होने तक आप भूनते रहेंगे, जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। देखिए थोड़ा सा हम लोग का ये हो गया है, ये अब इस तरह से हम लोग को गुलाबी हो चुका है। अब इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे, 2 टमाटर है, टमाटर लिया हुआ है हमने, और इसको भी हमने डालना है। अब हम लोग आगे की प्रोसेस करते हैं। ये जो हमने जिसमें अभी पकौड़े की जो बैटर हमने साना हुआ था वो पानी यूज कर लेंगे हम लोग। अब ये हम लोग ने 250 ग्राम हम लोग ने दही लिया हुआ है, जिसको मिक्सर के जार में हमने डाल के अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है। अब हम लोग इसको भी इसी में डालेंगे, बाकी जो दही है बाद में यूज कर लेंगे हम लोग, ऊपर से डाल देंगे। अब इसी की